उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश गोरखपुर मंडल द्वारा वी पार्क में बुधवार को प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत माइक्रो इरिगेशन पर ड्राप मोर क्राप के अंतर्गत एक दिवसीय मंडलीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय उद्यान के अधीक्षक बलजीत सिंह ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद रहे। इस अवसर पर राजकीय उद्यान अधीक्षक बलजीत सिंह ने नगर विधायक को पुष्प देकर स्वागत किया। माँ सरस्वती के चित्र पर नगर विधायक राधा मोहन दास द्वारा माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर राजकीय उद्यान के अधीक्षक बलजीत सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताया और माइक्रो इरिगेशन से संबंधित जानकारियां दी। कृषक संगोष्ठी में बड़ी संख्या में किसान और राजकीय उद्यान के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, लगातार चौथी वर्षा गोरखपुर शहर की ज्यादा कर रहे हैं। यह तो बहुत ही खुशी है कि हमारे बीच में, जैसा कि विधायक जी को आवाज देते हैं, विधायक जी अपना बहुत ही बेहतर वक्त में निकाल करके बहुत ही खुशी खुशी सरकारी मंचों पर हमें जाहिर करते हैं। हम तो वो भी नहीं याद है जब 21 फरवरी 2007 जनपद है और इस जनपद में अब 20 ब्लॉक है सर, और जल संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है सर। जल संसाधन यहाँ लगभग पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी सर जल संसाधन के भविष्य में समाप्ति से या कमी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सर सरकार द्वारा इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि जल संरक्षण हो, जिसमें से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अन्य बहुत सारे घटक हैं, जिसमें एक घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि प्रति बूंद से अधिक खेती, जिसमें जनपद गोरखपुर भी आच्छादित है, जो 20 के 20 ब्लॉक में योजना संचालित है सर। इस योजना में मुख्यतः माइक्रो स्प्रिंकलर से रिलेटेड जितनी भी चीज है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से संबंधित स्प्रिंकलर सिंचाई, टपक सिंचाई है जिसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं, रेनगन, ये सारी सिंचाई है सरकार द्वारा सर इस योजना पर 80 से 90% तक अनुदान दे है। जो बड़े किसान हैं, सामान्य कृषक हैं, यानी कि जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से ऊपर है, वो तो बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और उनको 80% योजना का अनुदान मिलेगा, और जो छोटे कृषक हैं जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से कम है उनको 90% तक का अनुदान दे है। ये इस वर्तमान सरकार की उपलब्धि है और ये आशीर्वाद है कृषकों के लिए सर। ये पहली बार आप ही की सरकार में हुआ है कि किसानों को इस योजना के अंतर्गत 80 से 90% तक की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, जब से हम सत्ता में आए हमारी आंखों के सामने सिर्फ किसान है। किसानों का जिन कैसा बेहतर हो, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, उनकी आय कैसे बढ़े, इस दृष्टि से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार योजनाएं बना रही हैं। जनधन योजना में उनके खाते खोलने से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के करोड़ों की संख्या में दिए गए स्वाल हेल्थ कार्ड से लेकर विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर
और पूरे देश में इंटीग्रेटेड कृषि मंडी की स्थापना को जो और कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनके खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के जितना भारत सरकार ने काम किया है शायद ही किसी ने दुनिया में किसी ने किसानों के हित में किया हो। आज एक ऐसी ही महत्वपूर्ण योजना है माइक्रो इरिगेशन की, जिसे माननीय मोदी जी कहते हैं वन ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब ये है कि जल हमारे लिए अत्यंत बहुमूल्य पदार्थ है। आने वाले 20 सालों के अंदर जल की इतनी भीषण कमी होने वाली है कि आदमी को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खेतों की सिंचाई के लिए जल नहीं मिलेगा, उद्योगपतियों को उनके उद्योगों के लिए पानी नहीं मिलेगा, और हम जिन भी स्रोतों से जहां से भी जल बचा सके यह सबसे आवश्यक होगा। जल अमृत हो चुका है। कृषि के कार्य में भी जल का बहुत अधिक दुरुपयोग होता है। 1 किलो धान के उत्पादन के लिए 300 लीटर दूध पानी चला जाता है। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह जमीन की उत्पादकता की भी बर्बादी है। जब आप पानी बहुत अधिक डालते हैं तो जमीन की जो क्षमता होती है वो रिस करके नीचे चली जाती है, उत्पादकता घट जाती है। इसलिए माननीय मोदी जी ने यह तय किया कि हम घर घर में अपने पैसे से, सरकार के पैसे से, किसानों के पैसे से नहीं, हम ऐसी सिंचाई व्यवस्था देंगे जो अपने खेतों को वो सिंचित कर सकें। एक एक घर में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए लाखों रुपए का खर्च आएगा। ट्यूबवेल से लेकर उनके खेत तक, पाइपलाइन दौड़ने से लेकर स्प्रिंकलर तक, सारी योजना बना करके हम उन्हें खेत में देंगे और 80-90% अनुदान देंगे। कंपनियों से टेक्निकल काम कराएंगे जो उनके विशेषज्ञ हैं, और कोई उसकी सीमा नहीं है। जितने किसान भी इसका लाभ लेना चाहेंगे, हमने कोई लक्ष्य नहीं रखा है, जो भी हमारे पास लाभार्थी आएगा हम उसको लाभ देंगे। तो मैं माननीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योजना लागू हुई है माननीय योगी जी की, उनकी इस कृषि पराय नीति और कृषकों के प्रति उनके इस समर्पण के लिए उनको आभार प्रकट करता हूँ, और अपने क्षेत्र के किसानों से आग्रह करता हूँ मत चूको चौहान, ये चूकने का समय नहीं है। जितना लाभ मिल जाए लाभ लेने का समय है। सब आए और सब इस स्प्रिंकलर व्यवस्था को अपने अपनी खेतों तक पहुंचाएं।